बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा घर भी तोड़वा दें, मेरी बिल्डिंग भी तोड़वा देंगे तो बीजेपी को दूंगा मैं वोट। आपकी जान भी ले लें तो मोदी। अरे मोदी अभी ऐलान के गला भी मत सकते ना मोदी, तो कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं किएगा। क्या धर्म की राजनीति कभी जिंदगी के हिस्से के अंदर करी नहीं उनने, क्योंकि पूरी आम जनता हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब उसके साथ है। अब की बार ये तो कह रहे हैं घर तोड़वा देते हैं, तोड़वा दे तो वो चलता है, जो गदर करेगा वो तो टूटेगा ही सही। घर किसका टूटता है? किसी का भी टूटे, वो तो हिंदू का भी तोड़ा, मुसलमान का भी तोड़ा, ज्यादातर मुसलमानों का भी तोड़े। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमील। अगले महीने लोकसभा का चुनाव है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में आप देख रहे हैं? मोदी जी को। क्या कारण है मोदी जी को देखने का? क्योंकि काम अच्छा कर रहा है वो। कौन सा काम अच्छा कर दिया? बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा था। कौन सा? थोड़ा दो चार काम हमें गिनवा दीजिए। दो चार काम बता दीजिए भाई साहब। विपक्ष पार्टी का कोई काम नहीं होता, वादा होता है सब कुछ। लोन का करवाया ना, सब्सिडी का, और लाडली बहना का करवाया, और दूसरी तीसरी बात यह है कि जो भी अभी समस्या है, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद कुछ भी नहीं हो रहा। धर्म की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी? हाँ करती है ना। हाँ। बिल्कुल करती है। फिर भी आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल। धर्म की राजनीति से खुश हैं? हाँ बिल्कुल। मेरी चाहिए, मेरा घर भी तोड़वा दें, मेरी बिल्डिंग भी तोड़वा देंगे तो बीजेपी को दूंगा मैं वोट। बिल्डिंग भी तोड़वा दे, घर भी तोड़वा दे, फिर भी बीजेपी के बाद बीजेपी को दूंगा वोट। देश आप मोदी भक्त हैं कि अंधभक्त हैं, इस पर सवाल उठ सकते हैं? नहीं मोदी भक्त की भक्ति की बात नहीं है, बात यह है कि काम अच्छा कर रहा है। आपका घर तोड़वाना अच्छा काम है? हाँ तोड़ दें वो। हाँ, हाँ तोड़ दें। अरे घर भी तोड़वा दे फिर भी आप तो, अगर नहीं भी कहेंगे तो वो तो तोड़ेंगे ही। हाँ। भाई नहीं भी कहेंगे तो तोड़ेंगे, बस सबसे बड़ी बात यही है। मतलब आपकी जान भी ले लें तो मोदी। अरे मोदी अभी ऐलान के गला भी मत सकते ना मोदी। हाँ। तो कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं किएगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? शहादत पटेल। किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की सरकार। क्या कारण है? अभी तो तमाम बीजेपी की गलतियां गिनवा रहे थे, कह रहे कुछ काम ही नहीं है। नहीं है, सब चल दिया है और चलता रहेगा ऐसा तो दुनिया के अंदर में। वो सब मदद करते हैं, सबसे गरीब आदमी तो परेशान है क्या, और सारा कारोबार चल दिया है सबसे। जो मोदी ने मदद करी वो तो करी है लोगों की, बीजेपी की सरकार बनेगी तो। ये तो कह रहे हैं घर तोड़वा देते हैं, तोड़वा दे तो वो चलता है, जो गदर करेगा वो तो टूटेगा ही सही। घर किसका टूटता है? किसी का भी टूटे, वो तो हिंदू का भी तोड़ा, मुसलमान का भी तोड़ा, ज्यादातर मुसलमानों का भी तोड़े। कार्रवाई करते हैं एक की तरफ तो गलत पड़ता है, वो सब पर कार्रवाई करे एक तरफ, सब दोनों तरफ तो बढ़िया रहेगा। वो नहीं तो अभी तक अभी जो सरकारें चली, अभी तक जो सरकार जो आई है अभी तक बहुत मदद करी मोदी ने, ढाई ढाई लाख रुपया भी दिया, बहुत मदद करी, सभी करी है मदद। सभी किस्म के लोग होते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। कह रहे थे भाई साहब की भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और कांग्रेस नहीं करती, इस पर क्या कहेंगे? तो चलता है ये दुनिया जब से चली आ रही है, आज 70 साल की उम्र हो गई। हाँ। देखते देखते आने वाली पीढ़ियाँ बैठ रही हैं, देख रही हैं, और होता रहेगा। चलने के लिए कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। कितना विकास हुआ है? हाँ विकास बहुत हुआ। दिख क्यों नहीं रहा है? कह रहे कुछ दिखता नहीं, दिखता नहीं है। क्या है कि लोगों को है सड़कें है नलिए है, कारोबार दिया है, ढाई ढाई लाख रुपया दिया है। हाँ। लोगों को भी पैसा देना दिया है। हाँ। और आई दिया मेरे का कहने तो राशन कार्ड तलक नहीं, काफी सालों से अभी तलक। और चाहते है कि लोग वाक मिले और कर रहा है काम। अब लोगों को लोग लगता है कि आतंकवादी है, ये है फलाने ढिमके, ये तो सरकार में चलता आता है, ऐसा कुछ नहीं, बढ़िया चल दिया था। किससे मतलब 400 पार की उम्मीद है या उससे कम या उसके आसपास का? वो तो फुल 450 ही लाएगी पूरी। हाँ 500 की सीटें है, 400 के करीबी सीट लाएगी। कांग्रेस पे आपका दावेदारी क्यों नहीं है? कांग्रेस उम्मीद क्यों नहीं? राहुल गांधी तो युवा नेता है। इस हालात में नहीं जीती कांग्रेस तो क्या जीतेगी? अब काम तो करने के लिए बीजेपी ने काम करे जब तो जीती है, जीतेगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं फिर कैसे बनेंगे? मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अब साहब ये तो जनता के ऊपर है। अभी तो जनता ये ही है। हाँ। तो आपके पास आए नाम तो जाने नहीं। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी किसकी सरकार बन रही है? अब ये सब चुनाव के बाद ही पता लग पाएगा। ये तो वही तो नाम चल रहा है, एक मोदी एक राहुल, किसकी बन रही है? आप किसकी बना? जीतने के बाद ही किसको आएगा? ठीक है थोड़ा सा आगे हो जाते जी। किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार देखो ऐसा है साहब, किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी जी। क्या कारण है मोदी जी की सरकार बनाने? चलो बतला जल्दी से तुम। देखिए साहब ऐसा है कि जो व्यक्ति काम अच्छे करेगा तो सरकार उसी की ही बनेगी। आइए
क्या पीछे से बोलने से नहीं होगा, आप बता लीजिए। अच्छा बोल, क्या कारण भाजपा की सरकार, क्या कारण है भाजपा की सरकार बनने की? अरे बहुत सारे कारण, घर तोड़वाते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। ये देख लो बनवाई भी तो है, 2,50,000 रुपए किन्ने दिए? 2,50,000 रुपए कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं 1,00,000 रुपए देंगे सरकार बनवाई, वो बनेगी जब देखा जाएगा। अभी तो जो मौजूद है वो फायदा दे रही है ना। विकास हुआ है मोदी की सरकार में? हुआ तो है। क्या हुआ ये देख लो आप, कितने रोड बने, कितने पुल बन रहा है, कितने पानी भी कितना डैम बन रहा है, सब तो हो रही है विकास। धर्म की राजनीति कहाँ तक सही है? भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है ऐसा भाई साहब? वो खुलेआम थोड़ी कहते हैं राजनीति का, धर्म की राजनीति कर रहा है। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि मोदी सरकार में जो भी अभी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, रोड बन रहे हैं, विकास हो रहा है और देश तरक्की पे चल रहा है और धर्म की राजनीति से यहाँ तक ताल्लुक है। ये क्या है सब पब्लिक है, पब्लिक है, सब अपना अपना अंदाज बताते हैं, लेकिन अच्छी राजनीति है और अच्छा प्रधानमंत्री है मोदी जी। कांग्रेस और राहुल गांधी में क्या कमी है? राहुल गांधी में और कांग्रेस में क्या कमी है? पहले वो काम अगर उन्होंने किया होता तो आज कोई कमी नहीं होती। 70 साल काम तो किया था उन्होंने, 70 साल काम किया था तो 70 साल में पब्लिक ने भी तो उनको वोट दिया था। जो 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 राजनीति जो इस वक्त जो राजनीति है वो विकास की राजनीति है, विकास कर रहे हैं वो, विकास कर रहा है, इसलिए सरकार बनी हुई है। और जो भी सरकार बनेगी वो अच्छा ही करेगी, जनता जनता चाहती है कोई भी सरकार हो जनता को फायदा पहुंचे। जनता को फायदा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राज में जनता को फायदा मिल रही है। क्या क्या मिला आपको अब तक भाई? मकान मिला, मकान मिला और विकास हुआ, सड़कें मिली, लाइट पानी ये सारी चीजें इसी सरकार ने दी है ना, और क्या। बस यही कहना चाहेंगे? हाँ जी जी। आप कुछ बता रहे थे, बताए नहीं, बताइए आप। साफ मैं क्या बताऊं, क्या साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी साफ दिख रहा है कुछ ही, कौन बन रहा है प्रधानमंत्री या अभी असमंजस में है प्रधानमंत्री? देखो साहब ऐसा है, चाहे भले वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो यही चाहता है कि जो भी आदमी काम करेगा सरकार उसकी निश्चित बनना है। काम किया है या नहीं अभी वर्तमान सरकार ने या पिछले सरकार से आपको भी उम्मीद? काम तो बराबर चल रहा है और सबको दिख रही है काम हो रही है। आप क्या कहेंगे चाचा, क्या नाम हुआ आपका? अरे मैं भावसा जी हूँ। किसकी सरकार बन रही है? सरकार मोदी जी की ही बनेगी। क्या कारण है? कारण ये कि काम उनके बहुत बढ़िया है भाई, जो है आवास का भी पैसा दिया, पानी वगैरह सुविधा सब अच्छी है, इसलिए जो है बिल्कुल। कांग्रेस में क्या कमी है, राहुल गांधी में क्या कमी है? अब कमी अब ये तो जनता पब्लिक बता देगी क्या कमी। अभी तो जनता ही है इसलिए तो जनता, हमें तो जो है मोदी जी का बिल्कुल वो दिख रही है बस। क्यों दिख रहा है? बस पानी मिला, बिजली मिला, क्या मिला, क्या हुआ? जो कुछ तो मिला सब मिल रहा है। 15 लाख का वादा था, कहाँ गया, मिला क्या? अब वो 15 लाख का वादा ये सब सरकार हर वादे करती है, क्या हो गया उसमें भाई? मोदी से ही गारंटी आप, 400 पार आ रहा है मोदी का इस बार? आएंगे आएंगे।